छातापुर बाजार स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा में शुक्रवार को बैंक में प्रतिनियुक्त चौकीदार के द्वारा महिला उपभोक्ताओं पर लाठी चलाने का मामला सामने आया है। बताया गया है कि इस दौरान एक महिला सहित कई लोगों को चोटें आई है। गार्ड के इस रवैये से मौजूद उपभोक्ता आक्रोशित हो गए और बैंक के सामने हंगामा शुरू कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए शाखा प्रबंधक सामने आए और जख्मी महिला का एक निजी अस्पताल में उपचार कराने के बाद वाहन की व्यवस्था कर उसे घर भेज दिया। हालांकि गार्ड के द्वारा लाठी चलाए जाने की बात से मौके पर मौजूद शाखा प्रबंधक एवं थानाध्यक्ष ने अनभिज्ञता जाहिर की है। बस इतना कहा कि शुक्रवार को उपभोक्ताओं की अत्यधिक भीड़ जमा हो गई। बताया जाता है कि शुक्रवार को शाखा में राशि की कमी थी और लिंक भी धीमा काम कर रहा था, जिसके कारण 5 की संख्या में बारी बारी से लोगों को शाखा में प्रवेश कराया जा रहा था। इसी दौरान सर्द सवा के बीच शाखा के बाहर खड़े लोगों में अफरा तफरी मच गई और गेट पर खड़े गार्ड ने उपभोक्ताओं पर लाठी चला दिया। इस संबंध में कैमरे पर बोलने से शाखा प्रबंधक अजीत सिंह ने परहेज किया, लेकिन उन्होंने ऑफ कैमरा बताया कि गार्ड के द्वारा लाठी चलाई जाने की बात उनके संज्ञान में नहीं है। भीड़ में जख्मी हुए महिला का उपचार कराकर उसे घर भेजवा दिया गया है। क्या हुआ आपके साथ? क्या हुआ आपके साथ? धराक सटका घीच लल के लाठी कपारे पर सर अंदर जा ये खींच लगे लाठी जा ये भीतर भीतर के नाम खींच गार्ड के सर नाम खींच लगे करे छे कुत्ता सब नाता गार्ड गार्ड आए के लगा लिए चोर अमित अब तुम भी आगे इसको भी लगा लाठी का चोर इसको भी खींचा दोनों जहां से लाठी घीच लके धराक सटका घीच दर के गार्ड का क्या नाम है उसे क्या, क्या हुआ बताइए ना क्या हुआ। पैसा लेने गए थे बैंक में हम सब बैंक नहीं दिया पैसा मारने पीटने लग गया वहाँ पर। कौन मारा वो गार्ड का क्या नाम है? नाम तो भी हमको उतना पता नहीं है गार्ड का क्या नाम है। चोर तो लगा अमित बैंक कौन सा है ऑफ इंडिया क्या नाम है आपका? सभा देवी घाट डहरिया। सर मेरा मम्मी अंदर जा रहा था तो गार्ड पहले मारा, इसके बाद हम गए तो हमें भी मार के बाहर कर दिया। गाली भी दे रहा था सर। हम भी सबका माँ बहन आता है ना सर, आज इसको मारेगा कल उसको मारेगा, कोई पुरुष जो है नहीं बोलने वाला है यहाँ पर। हमको मार रहा था तो सब पुरुष पीछा चला गया था, काहे पीछा भागा? पुरुष का कोई हक नहीं बोलने का। कहाँ आए थे? किसी आदमी का सपोर्ट बैंक आए थे सर। ये थी हमारे संवाददाता मोहम्मद नाजिर आलम की रिपोर्ट सुपौल से।